हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं मल्टीमीटर। तो जैसे कि ये मल्टीमीटर में एक प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्या है देखिए। तो इस तरीके से इसे ऑन करने पर तो यहाँ पे जो है अधूरे नंबर आ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है फर्श पर गिरने की वजह से आया। अगर आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम वाला रहता है तो इसे किस तरीके से ठीक करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले इसे हम दबा के देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर आ रहे हैं। तो इसे मैं क्या करता हूँ, इसे हम खोल देता हूँ, खोल के देखेंगे। तो ये है, इस तरीके से ये खुल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये गिरने की वजह से यहाँ पे जो है ये स्क्रू स्लिप हो जाते हैं, उसकी वजह से इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे तो ये ढीला हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे जो बोर्ड है हम निकालेंगे, सबसे पहले बैटरी निकाल देंगे और इस बोर्ड को एक एक स्क्रू निकाल देंगे हम। तो ये निकल चुका है और ये तो आप देखिए, तो ये जो मीटर गिरने की वजह से यहाँ पे जो है स्क्रू के जो थ्रेड है ये उखड़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रू स्लिप हो चुका है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो इसे पैकिंग होना चाहिए तो इसकी वजह से आ रहा है। तो इसे मैं थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, इस पर थोड़ा सा फेविक्विक लगा लेता हूँ। अब इसमें आयरन से थोड़ा सा साइड साइड से थोड़ा गर्म कर लेता हूँ उसे। तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे लगा दिया है। अभी एक काम करना है, यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसे भी साथ ही साथ क्लीन कर लेंगे। फिट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसे हम हल्का सा टाइट करेंगे और इसे डिस्प्ले को साइड करके एडजस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ढीला रखेंगे हम डिस्प्ले एडजस्ट करने के लिए। तो इसे हम लगाएंगे बैटरी, हल्का सा आ रहा है, एक मिनट। तो यहाँ पे ऐसे आने वाला है तो इसे हम फिट कर लेंगे। तो देखें इस तरीके से यहाँ पे जो है पैक हो चुका है यहाँ पे। तो ये स्क्रू की वजह से ये जो है अधूरे डिस्प्ले आ रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिस्प्ले है ओके हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसे रिपेयर कर सकते हो। तो इसे मैं फिट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखें, तो हमारा मल्टीमीटर इस तरीके से ओके हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीमीटर रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो की जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।